गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मशीन एक ग्रंथ। एक बार सभी जुड़ेंगे सर, फटाफट एक बार सभी जुड़ेंगे। नीतीश, रितिका, नरेंद्र, अभय, नीतीश, देवेंद्र, नेत्रिका, ओके, गुड मॉर्निंग यू ऑल। एक बार सभी फटाफट जुड़ेंगे, ओके। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन होने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। दृष्टि चौधरी वेलकम, वेट अ सेकेंड, फटाफट एक बार आपके ग्रुप में शेयर हो जाए। चलिए जी, ये तो आजकल ऐड इतना आने लगा, सुबह सुबह कुछ भी खोलो उठते ही डिलीशियस फूड और क्या क्या कम में से जाने लगता है। चलिए जी, चलिए सर सेशन की करते हैं शुरुआत, ओके। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि होगा लॉस से रिलेटेड, और लॉस से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अमूमन, तो इनका ख्याल रहे। हम सेशन को स्टार्ट करेंगे लॉस से, फटाफट जुड़े सर जी, ओके। नीतीश, देवेंद्र, ओके, एस के, सुमन, दृष्टि, पुष्पेंद्र, फनी, नरेंद्र, प्रजापति, ओके जी, एस के शिवाजी, अमरजीत, मुकेश, उमेश, आनंद, दिलीप, सुजीत जी, गुड मॉर्निंग जी, सुजीत गुड मॉर्निंग, ओके, नाइस डीपी। चलिए चलिए सर फटाफट सेशन की करते हैं शुरुआत। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला सर, क्योंकि हम कुछ चीज़ सीखने वाले हैं आज। यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ों की चर्चा होगी जो बहुत ही ज़्यादा हमको हिस्ट्रेसिस के अंदर सर आप देखोगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आती है ना। जब भी बात करा जाए हिस्ट्रेसिस का, तो सर आप कहोगे सर हिस्ट्रेसिस लूप को बहुत बेहतर तरीके से अपन नहीं समझ पाते, लेकिन यकीन मानिए आज के बाद आपका हिस्ट्रेसिस लॉस बहुत बेहतर होने वाला है। राम राम जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो एकदम बिल्कुल हर तरीके से हिस्ट्रेसिस को हम बहुत बढ़िया समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ओके। तो चलिए सर सेशन की करते हैं शुरुआत, बाकी लोग जुड़ जाएंगे धीरे धीरे, मशीन एक ग्रंथ को वाकई एक ग्रंथ बना लेंगे, ओके। चलिए सर करते हैं शुरुआत। चलिए आज का टॉपिक क्या डिस्कस होने वाला है सर, आज का टॉपिक क्या डिस्कस होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। लॉस इन ट्रांसफार्मर, लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन से लॉस होंगे। चलिए सर एकदम बिल्कुल आज हिस्ट्रेसिस सर, मैं पहले भी बोला था, पहले भी मैंने सेशन लिया था तो मैं बोला था कि इसको ना भूलने वाला लूप समझना हिस्ट्रेसिस लॉस, और उसको हमने करा था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने बीएस मैग्नेटिक सर्किट जो हमने कराया था और प्लेलिस्ट में भी डाला था आपने किया होगा, और हम यहाँ पे जो करेंगे आज फिर से वो दोबारा हो जाएगा, आपके लिए बेहतर हो जाएगा ना। मैं चर्चा करूँ सर यहाँ पे कि सर लॉस की अगर बात करें ना, तो लॉस जो है ट्रांसफार्मर के अंदर, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है सर लॉस मेनली दो तरीके से डिफाइन होते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर अगर बात की जाए तो लॉस मेनली दो तरीके से डिफाइन करते हैं सर, इन लॉस की चर्चा कर लें, इस लॉस की चर्चा एक बार कर लें। फर्स्ट सेकेंड, ओके, यहाँ पे दो तरीके के लॉस की चर्चा होगी। पहला टाइप का जो लॉस कहलाता है सर, पहला टाइप का जो लॉस कहलाएगा दैट इज कॉन्स्टेंट लॉस, इसी लॉस को बोला जाता है सर कॉन्स्टेंट लॉस। दूसरा, और इस लॉस को, कॉन्स्टेंट लॉस को बोला जाता है कोर लॉस। क्या बोला जा रहा है सर, कोर लॉस।
और सर इसी लॉस को बोला जाता है आपको आयरन लॉस, इसी लॉस को बोला जाता है सर आयरन लॉस। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट, दूसरा लॉस हमारा कहलाता है वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस का दूसरा नाम क्या है जी? कॉपर लॉस। क्या हो जाए जी? कॉपर लॉस, वेरिएबल लॉस या कॉपर लॉस। और यहां पे मैं बोलूं कांस्टेंट लॉस, कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। ओके, सो इनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं सर आज, इनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। और कई कई बार तो सर आपको इसको ये भी कह देगा ओहमिक लॉस। इसको क्या बोलता है सर? ओहमिक लॉस। तो इन्हीं के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं, आज इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाला है। एक ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या क्या हो सकता है। वेट अ सेकेंड सर, वेट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आज देने वाला हूँ। आइए सर, यानी ये अगर हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ध्यान से समझिए, एकदम बारीकी से, एकदम बारीकी से, हमारा अगर ये चलिए चलिए जी चलिए 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 एकदम एकदम टू दी पॉइंट हम चर्चा करते हैं। पहले सर यहां मैं बात करूं ना, यहां मैं बात करूं इस ट्रांसफार्मर के अंदर सर कहां कहां लॉस हो रहा है। तो पहला कहता है सर ये जो कोर है, ये जो आपने कोर बनाया किसका है सर? आयरन का, लोहाई का तो है, लोहा या कॉपर का, और सॉरी लोहा का या सिलिकॉन स्टील जो बोलते हैं। तो कहते हैं पहला इसके अंदर क्षति होती है। सो एक क्षति तो ये हो गया जिसको बोल रहे हैं कॉन्स्टेंट लॉस। क्यों कॉन्स्टेंट लॉस होते हैं बोलते हैं, उनकी भी चर्चा होगी ना। यहीं से मामला बनता है सर, इसी को कोर लॉस इज नोन एज कॉन्स्टेंट लॉस, आयरन लॉस इज नोन एज कॉन्स्टेंट लॉस। ओके, सिमिलर बात ये रहा इस कोर के अंदर लॉस, इस कोर के अंदर लॉस। दूसरी बात सर, ये वाइंडिंग जो की गई है, ये जो वाइंडिंग की गई है ये किसका बना है सर? कॉपर का। किसका बना है सर? कॉपर का। सो कॉपर के अंदर जो लॉस दिखेगा उसी को बोलते हैं कॉपर लॉस। कॉपर के अंदर जो भी अपने को लॉस दिखेगा दैट इज कॉपर लॉस, एंड कॉपर लॉस इज अ वेरिएबल लॉस। कॉपर लॉस इज अ वेरिएबल, वेरिएबल लॉस। एंड ओमिक लॉस इज ऑल्सो अ वेरिएबल लॉस। ये सारे लॉस एक ही कहलाते हैं। सो इनकी चर्चा होगी फर्स्ट वन, इनकी चर्चा होगी फर्स्ट कॉन्स्टेंट लॉस और दूसरा वेरिएबल लॉस। ओके, कहाँ कहाँ है ये? ट्रांसफॉर्मर के कोर के अंदर, यानी वाइंडिंग के अंदर है ये वाला, इसके कोर में है। अब कोर वाला में लॉस कैसे होता है इनकी चर्चा बढ़िया से करते हैं। ओके चलिए सर, चलिए चलिए, नाउ अगेन अगेन बिल्कुल टू द पॉइंट सर, कोर के अंदर कैसे लॉस होगा, इस कोर में क्षति कैसे होता है सर, इस कोर में क्षति कैसे होता है? हमने बोला ट्रांसफार्मर को चाहे फुल लोड दो या नो लोड दो, ध्यान समझिए, ट्रांसफार्मर को फुल लोड दो या नो लोड दो। नो लोड करंट तो हमेशा ड्रॉ करता है, और दो नो लोड करंट भी, वो नो लोड करंट भी एक तो कोर को मैग्नेटाइज करने में जाता है और दूसरा आपके उस एडी करंट लॉस होता है। एक तो कोर को मैग्नेटाइज करने में जाता है और दूसरा कोर के अंदर लॉस होता है। सो यहां मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले किसको चर्चा करना पड़ेगा? कांस्टेंट लॉस को। वेरिएबल लॉस को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, कांस्टेंट लॉस इज अ इंपॉर्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस इज अ इंपॉर्टेंट लॉस। आइए क्यों कहते हैं कांस्टेंट लॉस, इसकी भी चर्चा हो जाएगी। सो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं पहला, फर्स्ट दैट इज कोर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कोर लॉस होता है उनकी चर्चा होगी। क्या? कोर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। क्या? कोर लॉस इन ट्रांसफॉर्मर। अब कहेंगे सर कोर लॉस इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू वेज, कोर लॉस इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू वेज। सर क्या क्या ऐसा वेज है? कोर लॉस इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू वेज। आइए देखते हैं सर कौन कौन सा है।
आइए सर, एकदम बारीकी से देखना है। फर्स्ट वन इज सर, फर्स्ट वन इज हिस्टेरेसिस लॉस। पहला कौन सा? हिस्टेरेसिस लॉस। और दूसरा आप कहोगे सर इसके अंदर होता है एडी करेंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करेंट लॉस, यानी मामला हुआ क्या कि कोर लॉस, यानी अपन कहें कि कोर लॉस इज ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू वेज। वन इज हिस्टेरेसिस लॉस, इसको इंडिकेट किससे करते हैं? डब्ल्यू एच से, और यहां पे डब्ल्यू ई से। ओके, एक डब्ल्यू एच, बिल्कुल बिल्कुल, एक डब्ल्यू ई। अब समझिए पहले हिस्टेरेसिस लॉस। अब आपकी मेन जो है काम स्टार्ट होता है सर, यहां तक सब जानते हैं, बांटना क्लासिफिकेशन इज वेरी सिंपल, इजी थॉट्स। हिस्टेरेसिस होता क्या है, ध्यान से समझिएगा सर, हिस्टेरेसिस होता क्या है, अभी समझेंगे हिस्टेरेसिस क्या होता है सर। यहां पे आइए, ये पिक्चर ही इसीलिए दिया गया है आपके सामने, ये पिक्चर ही इसीलिए दिया गया है सर यहां पे। हिस्टेरेसिस को यहां पे अपन बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, हिस्टेरेसिस को यहां बहुत बेहतर समझेंगे कि किसी कोर में एक्चुअली मामला होता क्या है, ये कैसे अलाइनमेंट जो होते हैं वो क्या मैग्नेटिक डायपोल्स या उसके अलाइनमेंट्स आप कह सकते हो, उसके कारण इस कोर भी, ये ट्रांसफार्मर का कोर है, इसमें कैसे क्षति होती है सर उसकी चर्चा कर दो। और यही तो करना है, मेरा मोटो ये है कि मैं जो सिखाऊं वो आपके दिमाग में उतर जाए। हिस्टेरेसिस सिर्फ ये ना, हिस्टेरेसिस होता है और हिस्टेरेसिस का ये फॉर्मूला है, ये नहीं, कैसे होता है हम उसकी चर्चा करने वाले हैं, विजुअलाइज करते हैं, दिखाते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। आइए सर इसकी बात करते हैं, आइए सर पहले इसको समझने के लिए पहले आपको मेरी बातों को समझना पड़ेगा। ये एनिमेशन भी अपन बहुत बेहतर तरीके से तभी समझ पाएंगे जब कुछ बातों को हम बेसिक फैक्ट्स की तरीके से समझेंगे। आइए सर सीखते हैं, आइए पहले सीखते हैं यहां से। कह रहा पहला हिस्टेरेसिस है सर, ठीक है, सॉरी वेट अ सेकेंड, कह रहा पहला हिस्टेरेसिस है, ठीक है, फर्स्ट वन इज हिस्टेरेसिस एंड सेकेंड वन इज एडी करंट लॉस। पहला, चलिए पहला पॉइंट पे डिस्कस करने वाला हूं, हिस्टेरेसिस लॉस। इसको डिफाइन करेंगे डब्ल्यू एच से। पहले मेरी बातों को बारीकी से समझिए फिर एनिमेशन समझेंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, मेरी बातों को समझिए फिर बढ़िया से एनिमेशन समझेंगे। आइए सर, कहते हैं क्या कि एक ट्रांसफार्मर आप लीजिए सर, बिल्कुल मैं एक ट्रांसफार्मर ले लेता हूं, एक ट्रांसफार्मर लीजिए सर, ये लो बिल्कुल मैं एक ट्रांसफार्मर ले लिया, ठीक है, एकदम समझिएगा सर बारीकी से। एकदम बारीकी से समझना है, आइए सर। अब इस ट्रांसफार्मर में दीजिए सर क्या वाइंडिंग, ये लो मैंने कहा ठीक है वाइंडिंग दे दिया। एक ही साइड से चर्चा कर लेते हैं, एक ही साइड से चर्चा कर लेते हैं सर। आइए सर, आपने दिया इस ट्रांसफार्मर को क्या वोल्टेज, और वो वोल्टेज का नेचर कैसा है सर? एसी साइनोसोइडल वोल्टेज जो आपने दिया ये वी वन, उसका नेचर भी बात कर लेंगे सर, बिल्कुल नेचर बात कर लेंगे, बिल्कुल करिए सर नेचर की बात करेंगे तो करिए, ठीक है। हाँ, मैंने वोल्टेज इनपुट एसी दिया है, वोल्टेज का इनपुट क्या दिया है? एसी दिया, वोल्टेज का इनपुट क्या दिया है? वी इनपुट जो मैं ट्रांसफार्मर को दिया है, जिसको वी वन आप बोल रहे हैं, वो हमने बिल्कुल कह रहा है कि एसी दिया है, ठीक है। इतना बेस्ट कॉन्टेंट कोई नहीं डाला सर, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सुजीत एंड थैंक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोग अगर डेली बहुत ज़्यादा संख्या में लाइव रहेंगे, मैं एक एक कंटेंट इतना मतलब आसान बना दूंगा हर एक इंजीनियर के लिए, दर दर भटकना ही नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। डॉट होता है बेशक पूछिए, ओके, डॉट सेशन भी ले आएंगे, और भी बोलिए डॉट सेशन भी ले आएंगे, ओके। चलिए सर,
चलिए ना, मैं चर्चा करता हूँ सर यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, मैं चर्चा करता हूँ यहाँ पे सर। एक्चुअली वी इन की ये क्या होगी, वी इन की, वी इनपुट मतलब इनपुट वोल्टेज, यहां से क्या जाएगा करंट, यहां से आपका करंट क्या जाएगा सर, इनपुट वोल्टेज क्या जाएगा करंट। अब देखिए सर, करंट अगर इनपुट वोल्टेज जाएगा तो मामला क्या होगा, यहां पे इनपुट वोल्टेज आप वोल्टेज दोगे, लूप है तो ऑब्वियसली करंट। सर अगर आपका वोल्टेज इनपुट वोल्टेज क्या है, साइनोसोइडल, यहां से एक बातों को देखिएगा सर, इनपुट वोल्टेज अगर साइनोसोइडल है, सर अगर इनपुट वोल्टेज साइनोसोइडल है तो इनपुट करंट भी क्या होगा, साइनोसोइडल, क्या होगा सर, साइनोसोइडल होगा, इनपुट वोल्टेज भी क्या होगा जी, साइनोसोइडल। अब मैं बात करूं तो बिल्कुल सर, अगर आपने भी इनपुट लिया है ये, तो आपका करंट का नेचर भी क्या होगा सर, साइनोसोइडल, क्या होगा सर, साइनोसोइडल। और ये अगर 100% इंडक्टिव नेचर मान लिया तो ये कितना से लैग होगा सर, 90 डिग्री से लगभग, आप ये मान लो कि आपका कर्व जो होगा वो 90 डिग्री से लगभग लैग कर रहा होगा। वेट अ सेकेंड, ये क्या होगा हमारा प्राइमरी साइड का करंट और ये हमारा इनपुट वोल्टेज। अब देखिए आपका करंट लैग किया, लेकिन आपको लैग लीड से अभी मतलब नहीं है, लॉस से मतलब है। किससे सर, लॉस से, लीड लैग से मतलब नहीं है, लॉस से मतलब है। अब मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या होगा सर, यहां पे देखिए ये करंट इस तरीके से राइज कर रहा है, चूंकि मामला है किसका, इस कोर का मामला है सर, इस कोर का, और कोर में हो रहे हैं लॉस, और इसीलिए बोलते हैं कोर लॉस। और इसकी चर्चा अभी किसमें हो रही है, हिस्टेरेसिस के टर्म में, किसकी सर, हिस्टेरेसिस लॉस के टर्म में चर्चा हो रही है। क्या हो रही है सर, हिस्टेरेसिस लॉस की चर्चा हो रही है। लव यू फ्रॉम वाराणसी, यू आर द बेस्ट टीचर। ओके थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए पंजाब से, आपका काफी वीडियो देखता हूँ सर। अब अखिल, मैं चंडीगढ़ से, पंजाब से सर आपका वीडियो देखता हूँ, थैंक यू जी सर। मैं कोशिश होती है कि हर बच्चा को समझ आए एक एक चीज, है ना। चलिए ना, अब मैं कहता हूं सर ये करंट है, ये देखिए अगर इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट, चूंकि ये इंडक्टिव नेचर है, ये कैसा नेचर है, इंडक्टिव। सो सर्किट थ्योरी हमने पढ़ा है, अप्लाई वोल्टेज करेंगे तो आपका लैग जाएगा, करंट क्या करेगा, लैग जाएगा। लेकिन बात हिस्टेरेसिस लॉस जो होती है, कहीं ना कहीं आपके फ्लक्स से लीकेज होती है, कोर से लिंकेज होती है, यानी फ्लक्स से लिंक होता है, कोर से लिंक होता है। आइए सर, अगर मैं बात करूं तो यहां पे फ्लक्स जाएगा, क्यों जाएगा, फ्लक्स किस तरीके से जाएगा, अभी तक तो सिर्फ एक ही बात दिखाता था, फ्लक्स जाएगा और सेकेंडरी को कट करेगा। ये देखिए जिस नेचर से आपका करंट उत्पन्न होगा इस सर्किट में, जिस नेचर से करंट उत्पन्न होगा सर, आपका फ्लक्स भी उसी नेचर का हो जाएगा, आपका फ्लक्स भी उसी नेचर का हो जाएगा। ये मानिए बात, ये मानिए बात, ये सर किसका बना रहे हो सर, ये मैं बना रहा हूं इस फ्लक्स का, ये किसका बना रहे हो सर, इस फ्लक्स का। ध्यान से देखिए किसका बना रहे हो सर, इस फ्लक्स का, मतलब जिस तरीके से करंट आपका ये बढ़ेगा, अब सिमिलरली ये यहां से फ्लक्स बढ़ेगा, ये यहां से क्या करेगा सर, फ्लक्स को बढ़ाएगा। इसका मतलब फ्लक्स भी किस नेचर का हो गया सर, साइनोसोइडल, मतलब फ्लक्स भी साइनोसोइडल। इसका क्या मतलब, फ्लक्स कभी इधर से तो फिर फ्लक्स कभी इधर से तो कभी इधर से, कभी इधर से तो कभी इधर से। इस दौरान क्या होता है, अब देखिए सर, अप्लाइड वोल्टेज, ये लीड लैग की मामला अभी छोड़ो, समझते हैं क्या, फ्लक्स करंट साइनोसोइडल, मतलब करंट निकला साइनोसोइडल सर, उससे उत्पन्न फ्लक्स, यानी इससे जो फ्लक्स निकला वो भी साइनोसोइडल, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। इसके कारण क्या होता है, इस कोर के अंदर, कोल के अंदर आपने पढ़ा होगा डायपोल्स, एलाइनमेंट, ओके एलाइनमेंट, डायपोल्स, ये कभी फ्लक्स का लाइन इधर होगा तो कभी बेचारा इधर होगा, कभी इधर होगा तो कभी इधर होगा। क्यों सर, क्योंकि ये लगातार चेंज कर रहा है, ये देखूं मैं लगातार,
तो ये अपने कुछ डिग्री पे कभी चढ़ रहा है, कभी ये जा रहा है, कभी नेगेटिव में जा रहा है, कभी नेगेटिव में जा रहा है। तो मतलब फ्लक्स भी अपना डायरेक्शन लगातार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। आइए सर, अगर चेंज कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा सर, एक सेकेंड, चेंज कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा सर, आइए देखिए। वेट अ सेकेंड। आइए सर, यहां से ना आपका फ्लक्स कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, यानी फ्लक्स का अलाइनमेंट कभी इस डायरेक्शन में होगा। और जब आपका, देखिए कब होगा इस डायरेक्शन में सर, जब फ्लक्स लगातार चढ़ रहा है, जब लगातार चढ़ रहा है तो फ्लक्स की मात्रा बढ़ेगी। पहले एक लाइन ऑफ फ्लक्स, दो तीन, इस तरीके से बहुत ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा। कुछ देर बाद कहता है ये फ्लक्स की नहीं, अब अपनी मात्रा को घटाना है क्योंकि साइनसोइडल फिर जीरो फ्लक्स हो जाना है। तो जीरो फ्लक्स जब हो जाना है तो ये कहेगा कि ठीक है, अब अपने को फिर इधर से मुड़ना है, इधर से मुड़ना है। कुछ देर बाद कहेगा कि अपने को नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, मतलब कि बेचारा को इस पोल को घूमना पड़ेगा और घूमते घूमते फिर आपको इस लाइन में आना पड़ेगा जी, आपको इस लाइन में आना पड़ेगा, मतलब इस लाइन में फिर लगातार बढ़ना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इसके बढ़ने होंगे। सो क्या हुआ, एक फ्लक्स का अलाइनमेंट, देखिएगा कोर के अंदर, कोर के अंदर लगातार अलाइनमेंट, मैग्नेटाइजिंग इधर हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर इधर मैग्नेटाइज हो रहा है, डीमैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज। सो लगातार फ्लक्स कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके कारण उसके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट जो है तो है तो होते हैं, वो लगातार अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं, और इस दौरान जो भी लॉस हो जाता है उसको कहते हैं अपन हिस्टरेसिस लॉस। हिस्टरेसिस मतलब स्मॉल लूप, हिस्टरेसिस का मतलब होता है सर स्मॉल लूप, बहुत छोटा लूप। हिस्टरेसिस का मतलब होता है, दूसरा कलर से दिखा देता हूं, इसका मतलब होता है स्मॉल लूप। क्या होता है, बहुत छोटा लूप, इसको मैं दिखाऊंगा। स्मॉल लूप का मतलब यह, ऐसा लूप, इसको मैं दिखाऊंगा, स्मॉल लूप, इसको मैं दिखाऊंगा आगे, ठीक है। सो यही जो फ्लक्स लाइन है वो लगातार अपने वैल्यू को कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से, इस दौरान अलाइनमेंट चेंज करने में आपके मशीन के अंदर यानी कोर में लॉस होता है, जिसको क्या कहते हैं, हिस्टरेसिस लॉस कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हिस्टरेसिस, यानी कहाँ पे, मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग, फ्लक्स लाइन एलिमेंट, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब ये बंदा इधर जाना, फिर कह रहा है घूमो इधर चलो, कुछ देर बाद घूमो इधर चलो, कुछ देर बाद इधर, सो इधर, इधर, इधर के कारण इसमें क्या होता है, इस कोर के अंदर लॉस होता है, जिसको कहा जाता है हिस्टरेसिस लॉस। कोर के अंदर लॉस हुआ, एक हिस्टरेसिस, कोर के अंदर जो लॉस हुआ वो कौन सा, हिस्टरेसिस। ओके, अब चलते हैं एनिमेशन से, अब सीख जाइएगा एक्चुअल में होता है। और सर ये इस दौरान ये भी होता है, पहले फ्लक्स जीरो रहा होगा, फ्लक्स कोर में कोई फ्लक्स नहीं, फिर धीरे धीरे एक एम्पियर, दो एम्पियर, एक एम्पियर, दो एम्पियर, चार एम्पियर की कॉरस्पॉन्डिंग एक फ्लक्स, दो फ्लक्स, तीन फ्लक्स, चार फ्लक्स, नंबर ऑफ फ्लक्स बढ़ रहे हैं। फिर जब इधर हो रहा है तो फ्लक्स चार तीन दो एक फ्लक्स हुआ, फिर पोल की डायरेक्शन चेंज करो, फिर इधर आओ, तो ये इस दौरान ही उसमें क्या होते हैं, आपके पावर की क्षति होती है, दैट इज हिस्टरेसिस लॉस। आइए सर एक बार यहां देखिए, अब इसको समझ जाइएगा आप बारीकी से, अब मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत है, एकदम बारीकी से देखिएगा मामला, एक-एक चीज क्लियर होगा सर, एक-एक चीज क्लियर होगा। देखिएगा मैं कहता हूं करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा, उस कंडक्टर में करंट का जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, पोल देखिए अलग अलग लाइन में, इसके अलाइनमेंट से डायपोल्स अलग अलग में सब एक डायरेक्शन फॉलो करने लगा, देखिए सब एक डायरेक्शन फॉलो करने लगा। ओके, देखिएगा, देखिएगा जैसे जैसे करंट का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ये देखिए करंट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लाइन ऑफ फ्लक्स बढ़ते जा रहा है, सबका उसके अंदर जो डायपोल्स होंगे फ्लक्स के अंदर मॉलिक्यूल्स, वो एक ही लाइन में अलाइनमेंट होने लगे, और एक ही लाइन में अलाइनमेंट होने लगे, जो आपको दिख रहा है जी, ये दिख रहा है। ओके, करंट का मैग्नीट्यूड लगातार अब घटने लगा, मैग्नीट्यूड करंट का घटने लगा, तो फिर ये अपने प्रीवियस पोजिशन पे आने लगेगा, फिर अपने प्रीवियस पोजिशन, ये देखिए सब घटेगा, ये फ्लक्स भी घटेगा, ये जो डायपोल नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर हो गया, फिर वो इधर उधर हो जाएंगे, है ना, नॉन डायरेक्शनल साइज में, डायरेक्शन में हो जाएगा, ये देखिएगा। और इसी तरीके से बीएच कर्व भी बनता चला जाता है, बीएच कर्व हमने पढ़ाया, ऑलरेडी कराया था वीडियो, आपको बोला था पढ़ने के लिए, बीएच कर्व बनता चला जाता है। अब देखिएगा ये मामला ऐसा हुआ, एक टाइम आया कि आपका, अब ये तो प्रोसेस बहुत स्पीड में होगा लेकिन आपको बहुत स्लो में दिखाया जाता है, आपको बहुत स्लो रूप में दिखाया जाता है, प्रोसेस बहुत स्पीड में होगा। ओके,
सो देखिए किस तरीके से मामला बन रहा है, क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर ये कॉइल के अंदर जब अपन करंट भेज रहे हैं तो किस तरीके से फ्लक्स का अलाइनमेंट होता है। अब देखते जाइए, आप लोग देखते जाइए जी, बिल्कुल देखते जाइए। वेट अ सेकेंड। अब करंट क्या हुआ, धीरे धीरे एक टाइम आएगा करंट खत्म हो जाएगा, फिर करंट उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, कभी साइनसोइडल पॉजिटिव हाफ, कभी नेगेटिव हाफ, कभी पॉजिटिव हाफ, कभी नेगेटिव हाफ। अब देखिए डायपोल सब इधर उधर तितिर बितिर हो गए, किसी का एन इधर, किसी का एस, डायपोल इधर हो गए, लेकिन जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा, जब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सारे अलाइनमेंट इधर की ओर मुड़ गया, सारा अलाइनमेंट इधर की ओर मुड़ गया। अब फ्लक्स इस डायरेक्शन में जाने लगा, अब फ्लक्स किस डायरेक्शन में जाने लगा, अपने मैक्सिमम करंट का मैग्नीट्यूड तक इसी डायरेक्शन में जाने लगा। देखिए रेट बढ़ गया ना, करंट का फ्लो का रेट बढ़ गया, देखिए स्पीड किस तरीके से बढ़ गया। सो अलाइनमेंट चेंज हुआ ना, अभी तुरंत कुछ देर पहले क्या था सर, अभी तुरंत कुछ देर पहले ये फ्लक्स का अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में था, किस डायरेक्शन में सर, इस डायरेक्शन में। देखिए अब उसको चेंज होकर इधर आना पड़ा, है ना, पहले अपने लाइन ऑफ फ्लक्स को कम करना, फिर इसका डायरेक्शन चेंज होना। सो इस दौरान इस कोर के अंदर जो लॉस होता है, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। देख लीजिए एक बार अच्छे से, देखिए सेशन को सभी एक बार लाइक भी कर देंगे, और बेहतर तरीके से देखिए सर, अपने आप देखिए। अब मुझे लगता है कि सिखाने की जरूरत नहीं है, अब इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बीएच कर्व ऑलरेडी क्लास में पहले करा रखा हूं, बीएच कर्व है ना, कभी बी जीरो कभी एच जीरो, ये सारी चीजें, और यही चीजें चलती रहती है, ये प्रोसेस लगातार मशीन में चलता रहेगा, और इसके लाइन ऑफ फ्लक्स डायरेक्शन भी चेंज होते रहेंगे, और ये कोर के अंदर लॉस लगातार होता रहेगा। गर्दा उड़ा दिए सर नीतीश नराला जी, थैंक यू। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, और बीएच कर्व का लूप भी देखिए, शुरू में इनर्जाइज हुआ, उसके बाद ये जीरो हुआ, लेकिन हमारा क्या होता है, जीरो होने के बाद इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, इसको बोलते हैं कर्सिविटी, इसके बारे में बीएच कर्व के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अब बहुत कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब हिस्टेरेसिस लॉस को आपने अच्छे से देखा समझा, और एक्चुअल में हिस्टेरेसिस होता क्या है, काफ़ी है इतना समझने के लिए, काफ़ी है सर। सर हिस्टेरेसिस को समझने की, क्या हिस्टेरेसिस इज डन सर, क्या आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, एक्चुअली लॉस कहाँ पे हो रहा है। अब मैथमेटिकल टर्म देखेंगे, पर बताइए सर, समझ में आ गया सर। गर्दा गुरुदेव ओके, गुड मॉर्निंग गुरुजी, पंकज पनवार जी गुड मॉर्निंग। सो फटाफट एक बार सभी चेक कर लेंगे, चलिए अब इसके कुछ बेहतर पॉइंट पे जाएंगे। समझ गए सर जी, नहीं पॉलिटेक्निक में हम नहीं लेते, हमने खुद इंजीनियर्स ग्रुप तैयार किया आप लोगों के लिए सेमेस्टर के लिए, सो पॉलिटेक्निक में नहीं लेते, इंजीनियर्स ग्रुप पे लेते हैं ना, चलिए सेमेस्टर के लिए, मजा आ गया सर। चलिए बिल्कुल, अब अगर आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गया तो लॉस के बारे में दो लाइन लिख देते हैं, लॉस के बारे में लिख देते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में ड्यू टू चेंज इन अलाइनमेंट ड्यू टू चेंज इन अलाइनमेंट
अगेन एंड अगेन ड्यू टू चेंज इन अलाइनमेंट अगेन एंड अगेन ड्यू टू चेंज इन अलाइनमेंट जी पटना से लैब होता हूँ जी बिल्कुल है ना ड्यू टू चेंज इन अलाइनमेंट अगेन एंड अगेन इट लॉस द पावर इन कोर कॉल्ड हिस्ट्रेसिस लॉस इसको क्या बोलते सर हिस्ट्रेसिस लॉस हिस्ट्रेसिस का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिस्ट्रेसिस हिस्टेरेसिस का मतलब होता है स्मॉल लूप क्या होता है सर हिस्ट्रेसिस का मतलब होता है स्मॉल लूप सब बताएंगे जी बीच बीच में अलग क्वेश्चन पूछने लगोगे तो कहां से बताएंगे है ना इससे रिलेवेंट होगा मैं कहता हूं कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ा दूं उसको खत्म होने तक वेट करिए फिर भी डाउट रहता है तो आप बोलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने दिन अपने पढ़ाने का अनुभव हुआ है जितने बच्चों ने क्वेरी किया उसको पहले में बताया बयां कर देता हूं सो टॉपिक एंड तक आपके कोई क्वेरीज नहीं रहेंगे वेट अ सेकेंड पहले मैं करा देता हूं फिर आप क्वेरी कर लेना ओके चलिए सर सो हिस्टेरेसिस लॉस मतलब हिस्टेरेसिस का मतलब होता है स्मॉल लूप का क्या मतलब है जी कहते हैं अब देखो कई बच्चा बी एच कर भी भूल जाता है बी एच कर में पता चला कहां बी कहां एच वो दिमाग में नहीं रहता तो बी सर यहां होता है एच यहां होता है आपको कहा सर ये तो भूल जाएंगे सर एच फोर हॉरिजेंटल और हॉरिजेंटल लाइन ऐसा होता है सो एच फोर हॉरिजेंटल मतलब इस लाइन को ध्यान रखे ओके सो कहता बी एच कर्व जो बनता है ना अपना बी एच कर्व जो बनता है ऐसा बनता है तो ये स्मॉल लूप हो अगर लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर के अंदर ये बी एच कर्व के कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर प्रेजेंट रहता है किसी मैग्नेट के अंदर ये हमेशा बी एच कर्व आपको दिखाएगा ये पहले बता रखा हूं ये क्या होता है सर हमारा रिटेंटिविटी ये क्या होता है कोर्सिविटी ओके ना अगर मैं बात करूं तो ये एरिया क्या हो इसका अपना एरिया होगा ना इसका अपना एरिया है सर अगर इसका अपना एरिया है तो कहता है लूप लॉस हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप इस लूप के एरिया पर निर्भर करता है सर कई बार आपके जेई के क्वेश्चंस बस ये पूछ दिए कि अगर बी एच कर्व का लूप स्मॉल होगा तो लॉस क्या होगा स्मॉल अगर बी एच कर्व का एरिया कम होगा ये जितना छोटा होगा आपका लॉस उतना ही कम होगा मतलब ये कर्व अगर इतना ही छोटा बन जाए मतलब इसके अंदर बहुत कम लॉस है सर इसमें ज्यादा लॉस है इससे बड़ा अगर कर्व लूप बनता जाए तो लॉस बड़ा होता जाएगा सो ये हमेशा मतलब समझना है यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ देता है अगर लूप बड़ा तो बताइए एरिया बड़ा एरिया ऑफ लूप इस लूप का एरिया बड़ा तो बताइए इसका वो क्या होगा सॉरी ये सेम कलर हटा देता हूं ये इसका एरिया बिल्कुल स्टिल करते हैं ये सबकी चर्चा स्टिल की चर्चा करते हैं दिलीप कुमार पहले बता रखा हो ना ये सारी चीजें आप लेक्चर 1, 2, 3 पे जाइए पहले बता रखा हो ना ओके नाउ अब मैं बात करूं अब बच्चे को और भी कंफ्यूजन होता है कई बार सर आपसे यहां पे रिलेट करता है मैग्नेटिक मटेरियल क्या रिलेट करता है सर मैग्नेटिक क्या बोला मैग्नेटिक मटेरियल्स सर एग्जाम में आप 2013 में जो मेंस होता था आपको बताऊं एसएससी जेई 2013 तक आपको प्री सेम डे लेता था और मेंस सेम डे लेता था एसएससी जेई 2013 तक क्या करता था आज ही आपका प्री हो जाएगा एक घंटा बाद फिर से आपको मेंस देना होता था तब जो कन्वेंशनल पूछा जाता था तो 2013 का एक कन्वेंशनल पूछा है कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्यों और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं यहाँ पर एक लॉजिक रिलेट हो जाएगा ट्रांसफार्मर में हमेशा क्यों सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जबकि डीसी मशीन के अंदर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का भी इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा ऐसा रीजन ये है
इन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हिस्टेरेसिस लूप कम बनता है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, अब वो ऐसा नहीं कि रुईया का बना होगा, होगा क्योंकि सॉफ्ट अगर बनाते हैं, सॉफ्ट रहेगा तो उसके अंदर आपके लूप क्या होंगे, कम से कम होंगे। सो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है उसमें जो अपन चीजें मिलाते हैं उससे उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है। ओके सो इस चीज के लिए जैसे कि उसमें सिलिकॉन मिलाया तो उसकी हार्डनेस बहुत स्ट्रांग भी नहीं करना, ऐसा नहीं करना है कि उसमें बहुत ज्यादा सिलिकॉन मिला दिए। ओके सो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल आपसे पूछता है ट्रांसफार्मर के कोर में लॉस को कम करने के लिए किस टाइप का मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट या हार्ड, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। क्या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल? सर आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, प्रियंका बोरिया, थैंक यू जी। डीसी मशीन में कौन लॉस होता है? अरे वो सब बताएंगे वहाँ भी। सो आई होप यहाँ क्लियर है, एरिया जितना कम, लूप जितना कम, लॉस उतना कम, एरिया जितना कम, लॉस उतना ही कम, क्लियर है? सो एक पॉइंट यहाँ लिख दूँ, इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी यूज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, वी यूज सॉफ्ट मैग्नेटिक इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर वी यूज सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल फॉर लूप लॉसेस, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल फॉर लॉ लॉसेस एंड एरिया ऑफ बी एच कर्व लो रिप्रेजेंट लो लॉस, क्या रिप्रेजेंट करता सर, लो लॉस। ओके जबकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता, डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक चीज और सर, क्या हिस्टेरेसिस लॉस डीसी के अंदर होगा? एक चीज और सर, एसी के अंदर आपने तो ये बता दिया कि अलाइनमेंट चेंज किया तो हिस्टेरेसिस लॉस हुआ, डीसी मशीन में सर, डीसी मशीन में हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम, नेग्लिजिबल होते हैं। क्यों सर क्यों? क्योंकि डीसी के सिग्नल में फ्रीक्वेंसी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी नहीं होता तो सो फेज चेंज, इसका अलाइनमेंट चेंज नहीं होता, सो अलाइनमेंट चेंज नहीं होगा तो उसके कोर में लॉस नहीं होता। सिर्फ एक साइड जो चेंज हुआ, एक बार अलाइन हुआ, थोड़ा सा जो लॉस हुआ, दैट इज नेग्लिजिबल लॉस। ओके इन केस ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी और डीसी मशीन। ओके जबकि एसी मशीन में जहां फ्रीक्वेंसी होगा हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ जाएगा सर, जहां फ्रीक्वेंसी होगा हिस्टेरेसिस लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है चलिए, अब सर मामला हिस्टेरेसिस का यहीं पे नहीं खत्म होगा, मामला मैथ पर जाएगा। हिस्टेरेसिस से क्वेश्चन ये तो थियोरेटिकल है, अब मामला मैथ्स पे जाना पड़ेगा और मैथमेटिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थियोरेटिकली भी पूछे जाते हैं। आइए सर सबसे बेस्ट, ओके नाउ आइए सर नाउ, हिस्टेरेसिस लॉस इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल टर्म में अपन हिस्टेरेसिस लॉस को जानेंगे, यानी WH का इक्वेशन मैथमेटिकली क्या होता है, WH का इक्वेशन मैथमेटिकली क्या होता है। सर आप बेसिक और पावर सिस्टम का कब से चालू कर रहे हैं? सर आप पटना में क्या करते हैं, पटना में क्या करते हैं से है क्या? बिल्कुल जी पटना से ही है ना। चलिए नौ नौ, अब मैं बात करूं हिस्टेरेसिस लॉस WH के BMVF हिस्टेरेसिस लॉस
यहां पे हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें, ईटा इंटू के, देन बी एम, देन वी, देन एफ, और इस पर एक और वैल्यू डाल दू एक्स, इस पर क्या वैल्यू एक्स। ओके सो ये क्या है सर, एक एक पैरामीटर के बारे में चर्चा होना चाहिए यहाँ पे। सर ये क्या है, एक एक पैरामीटर के बारे में चर्चा होना चाहिए। स्टेंजमेंज कांस्टेंट, ओके इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी वर्ड यूज कर लेते सर। ये क्या है, वी वोल्टेज मत समझ लेना इसको, वॉल्यूम ऑफ कोर, कोर का वॉल्यूम है एफ है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है सर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ओके ना मैं अब कहूंगा सर इन सारे टर्मोलॉजी को, आप इन सारे टर्मोलॉजी को कहेंगे कि किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। ओके किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे यहां पे सर, इसको अगर एक्सप्रेस करना है ना तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी वी वॉल्यूम ऑफ कोर। नाउ ये वॉल्यूम ऑफ कोर की चर्चा करो तो कहां वाला कोर सर, ये वाला कोर, इसका अपना वॉल्यूम होगा ना, ये देखिए ये आपका ये जो कोर है ना, इस कोर को देखेंगे सही तरीके से तो इसका अपना कोर या सेक्शन है, वॉल्यूम तो है ना, ये क्या है कोर का वॉल्यूम है ना, ये वाला हिस्सा कोर का वॉल्यूम है, ये वाला हिस्सा कोर का वॉल्यूम है, ये यहां से ऐसे देखिए सर, ये वाला ये कोर है ना, ये कोर है ट्रांसफार्मर का कोर है। ओके कोर का अपना वॉल्यूम होगा ना, कोर का अपना वॉल्यूम होगा, इस कोर की चर्चा कर रहा हूं ना, इस कोर की चर्चा। सो वॉल्यूम ऑफ कोर, कंफ्यूज नहीं होना। नाउ स्टेंजमेंज कांस्टेंट यहां पे के, अब ये कह रहा है स्टेंजमेंज कांस्टेंट जो ये होता है, ये क्या होता है सर, इसके बारे में अब चर्चा होगा कि ये क्या होता है, क्लियर है। अब आपसे ये कहेगा कि ये इसको किस तरीके से अपन डिफाइन करेंगे, तो ये कहेंगे नंबर ऑफ, इसमें जो है ये किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर ये डिपेंड्स अपॉन इट, डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर एंड टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। सर ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है आपका किस टाइप के मटेरियल और उसका क्या वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट उन पर निर्भर करता है, ये कांस्टेंट उस पर निर्भर करता है। ओके मैं पॉलिटेक्निक सर, आपको शायद मेरा क्वालिफिकेशन नहीं, आप मेरे अबाउट में जाइए, है ना, पॉलिटेक्निक कहां से किए थे, ठीक है चलिए। नाउ सर अब मैं बात करूं एक्स, है ना, एक्स क्या है सर, एक्स क्या है, एक्स है सर इसका वैल्यू होगा 1.6 का इस्तेमाल करेंगे यहां पे 1.6। क्या इतने मैथ से काम चल जाएगा, नहीं सर, हिस्टेरेसिस लॉस तो अभी बहुत कुछ बताएगा, हिस्टेरेसिस लॉस अभी बहुत कुछ बताएगा, क्या इतने से हो जाएगा, नहीं होगा, अभी इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फिर रिलेट करेंगे बी एम इज कॉन्स्टेंट और नॉट, किसी ट्रांसफार्मर के अगर पैरामीटर यानी सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तब चेक करना है हिस्टेरेसिस लॉस में क्या बदलाव आता है या कॉन्स्टेंट रह जाता है। ओके तो इन बातों को अभी सीखना पड़ेगा, इन बातों को सीखना पड़ेगा। हमने ये पहले बोला था हिस्टेरेसिस लॉस सप्लाई वोल्टेज अगर कांस्टेंट रहे तो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर बीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो क्या हिस्टेरेसिस लॉस वही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, तो इनकी चर्चा अब होनी चाहिए। सर योर स्टाइल इज बेस्ट सर, सुजीत कुमार फ्रॉम एलपीएल कॉलेज, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज, एसके फ्रॉम पंजाब। ओके मैं आपके कुरुक्षेत्र भी रहा हूं जी, एसके जी है ना, कुरुक्षेत्रा और लुधियाना चंडीगढ़ उधर पड़ता है ना, बहुत बढ़िया, लवली प्रोफेशनल है ना,
मतलब कॉलेज का भी बढ़िया है ऐसे तो, है ना। चलिए सर, पॉलिटेक्निक कौन सा कॉलेज? ओके ठीक है, कहाँ से किए थे जी? पॉलिटेक्निक नहीं किए। एलपीएल क्या है फिर? एक सेकेंड एक सेकेंड, कंफर्म करिए सर। उत्तर प्रदेश। एक तो जीपीएल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ये एलपीएल क्या है बता दीजिए एक बार। सर मैं 12th में हूँ और मैं आपका वीडियो देखता हूँ सर, ट्रांसफॉर्मर देख रहा हूँ। ओके हुसैन जी, बहुत बढ़िया हुसैन आलम जी। ये एलपीएल का फुल फॉर्म बता देंगे एक बार सभी को, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ। और एक यहाँ पे है जीपीएल है ना शायद, आई होप वहाँ के कई बच्चे थे पहले जो स्टडी करते थे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है ना, ऐसा कुछ था। सही, एलपी का सिलेबस है, अगर पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम। एलपी का सिलेबस से तो ये दूर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी, एलपी का सिलेबस इतना थोड़ी पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है। चलिए जी, अब मैं बात करूँ सर किसकी, इंचों की, किसकी इंचों की। डब्ल्यू एच इजकल टू ये। अब ये क्या होगा सर? अब क्या सीखना है इसमें? सर इसमें बहुत कुछ सीखना है। अब ये चेक करना है कि हिस्टेरेसिस लॉस बीएम के कांस्टेंट रहने पर क्या देगा, और बीएम कांस्टेंट ना होगा तो क्या होगा? बीएम कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, अब बीएम कांस्टेंट ना होगा तो क्या होगा, इनकी चर्चा आपको यहां से करना पड़ेगा। चलिए सर उठाते हैं इसके बारे में। पहला, उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर बीएम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो। बीएम क्या है सर? फ्लक्स की डेंसिटी। हटा देते हैं, नहीं तो कोई क्या कर रहे हैं कुछ सर। आइए, इफ बीएम कांस्टेंट, सर कभी बीएम कांस्टेंट होता तो वी एफ भी कांस्टेंट होता है? कहां से बता रहे हैं सर आप, कहां से? पहले मैंने रिमाइंड इसीलिए किया था, ई बराबर 4.44 बी इंटू ए है ना, बी इंटू ए यानी 5 यूज करते थे यहां पे, एफ इंटू एन इनकी चर्चा हुई थी। अगर ये है तो यहां पे ई वन बाय एफ जो कि किसके बराबर होता है, लगभग वी वन बाय एफ के बराबर किसके हो जाएगा सर? 4.44 ए बी एन के। ओके, और सर आपको अगर वी बाय एफ प्रोपोर्शनल किसके होता है, अगर ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल हो गए सर? बी एम के। अगर बी एम वर्ड यूज किया तो बी एम के कांस्टेंट हो गए। अगर ये इसके समानुपाती होता है, हमेशा बीएम के छेड़छाड़ के साथ अगर कुछ करोगे, देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो डेंसिटी चेंज हो जाएगा, कोर में कितना फ्लक्स जाएगा नहीं जाएगा इसका क्लास ऑलरेडी एक बार लिया था और बहुत अच्छे समझाया हूं कि फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक सेचुरेशन हो जाएगा और उसके बाद आप करंट बढ़ाते रहो, ट्रांसफॉर्मर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सारी चीजों की चर्चा आपको मैंने कराया था। चलिए ठीक है, चलिए वो सारी गाइडेंस बात होगी है ना हुसैन जी, पढ़ लो अगर पढ़ते हैं तो। बहुत सारी बातें हैं ऐसे जिनकी चर्चा मैं ऐसे कितना करूंगा है ना, यहाँ पे फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। क्लास को पढ़े, क्लास ओरिएंटेड बातों को देखिए। ओके चलिए सर, वी बाय एफ हमारा क्या होगा? कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रश्न कौन से, अगर कोई कहता है कि अगर आपको इसको कांस्टेंट रख रहे हो, इसको क्या रख रहे हो सर? इसको अगर आप कोई कांस्टेंट रख रहे हो, इसको अगर नियत रख रहे हो, नियत मतलब इसको 100 रख रहे हो, तो अगर ये 1000/10 है तब 100 रहा होगा, तो मतलब इसके साथ भी चेंज मत कीजिए, इसको भी चेंज नहीं कीजिए और इसको भी चेंज नहीं कीजिए, इसको भी एचटीज रखिए। यानी वी बाय एफ अगर कांस्टेंट हो, ध्यान समझिए, बी एम कांस्टेंट तो वी बाय एफ भी आपको नियत रखना पड़ेगा। तो कोई कहेगा कि सर वोल्टेज बढ़ा दूं तो मामला बिगड़ जाएगा, खाली फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो मामला बिगड़ जाएगा, लेकिन बी को कांस्टेंट दोनों को चेंज करने से भी रखा जा सकता है। देखिए मैथ से थोड़ा सा कहते हैं कि बीएम ये जो 100 है, ये मान लो 100 है, तो कोई कहता है कि ये जो 100 है 1000/10 करने से ये 100 है, ठीक है, तो कहता है कि इसको हमेशा कांस्टेंट रखा जाए, तो क्या ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रखना पड़ेगा? जी, अगर इसको कांस्टेंट इसको कांस्टेंट इंडिविजुअली अगर चेंज कर देंगे तो 100 के बराबर नहीं होगा। ये मैथ्स को दिमाग से रख लीजिए, ये यही काम नहीं, ये दुनिया के हर जगह आपको हर जगह काम आएगा कि सर 1000/10 को 100 लिखा गया, 1000/10 को 100 लिखा गया, इसको आपको हमेशा रखना है पहला कंडीशन में कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखना है तो इसको भी क्या करिए सर? कांस्टेंट रखिए और इसको भी हमेशा क्या रखिए? कांस्टेंट, मतलब सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को हमेशा नियत रखिए किसी खास ट्रांसफॉर्मर के लिए, तो उसका फ्लक्स डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन कोई शातिर दिमाग का आया, ले लो किसी एक को लेता हूं, ये देखो जैसे फाइट अगेंस्ट करप्शन,
इसी को पकड़ते हैं। ये कहा नहीं सर ऐसा नहीं करने वाले हैं, दोनों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। दोनों के साथ का मतलब क्या हुआ कि सर इसको कांस्टेंट रखने का दूसरा तरीका भी है कि अगर आप कई बार वोल्टेज चाहोगे घटाना तो इसको भी उसी प्रोपोर्शन में घटाइए, तब भी ये 100 बना ही रहेगा। जैसे कि सर इसको दूसरा 10 टाइम से घटा दीजिए, वोल्टेज को कितना कर दिया 100, तो यहाँ कहेगा इस फ्रिक्वेंसी को कर दीजिए 1, अब भी इसका रेशियो 100 मेंटेन है। मतलब बीएम कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा सप्लाई वोल्टेज सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है। अगर किसी ने कहा कि 10 गुना से वोल्टेज बढ़ा दीजिए या 10 गुना से घटा दीजिए, तो आप फ्रीक्वेंसी को भी 10 गुना से घटा देंगे तब भी बीएम कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात को समझिए, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ गए ना तो क्वेश्चन बनेगा, या फिर क्वेश्चन के टाइम में दोबारा इसको रिवाइज कर लेना, तब आपको लगेगा वाकई क्या कॉन्सेप्ट था इसके अंदर। सिर्फ यही मेंटेन रखते हुए इसको नहीं रखा जा सकता, दोनों को या घटाइए प्रोपोर्शन में तब भी ये मेंटेन रहेगा, दोनों को बढ़ाइए तब भी ये मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सर कहते हैं कि आप घटाने वाले को ज्यादा प्रीफर कर रहे हो, बढ़ाने वाले को वोल्टेज को 10 गुना बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ाएंगे तब भी मामला कॉन्स्टेंट रहेगा। तब अगर मान लो एक ट्रांसफार्मर है जो 1000 वोल्ट पे काम कर रहा है, 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, ये 100 है, तो सर मैथ की भाषा से दोनों को प्रोपोर्शन घटाएंगे तब भी 100 मेंटेन होगा, और मैथ की भाषा से दोनों को प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे तब भी 100 मेंटेन रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल की भाषा से कहेंगे दोनों को घटाना सही है एक ट्रांसफार्मर के लिए, लेकिन दोनों का रेशियो समान रेशियो से बढ़ाना अच्छा नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल वाला अगर आपको बोलेगा ऐसा, तो आपको लगेगा ऐसा क्यों बोल रहा है, हम तो कांस्टेंट रख रहे हैं। अब ऐसा होगा कि किसी ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर 1000 वोल्ट पर है तो उसका टॉलरेंस कैपेसिटी मे बी 1.2 और 3 होगा या 1.5 भी होगा, तो वो 1500 तक टॉलरेट कर सकता वोल्टेज। उस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज टॉलरेट की चलने की क्षमता कितना 1500। हमने वोल्टेज बढ़ा, इसको मेंटेन करने के चक्कर में इसको 10 गुना बढ़ा दिया, ये दिया 10000 वोल्टेज, उसको सहने की क्षमता थी 1500 वोल्टेज, वो ट्रांसफार्मर इससे पहले ही डैमेज हो जाएगा, डबल ही होने तक डैमेज हो जाएगा, 10 गुने की बात छोड़ो। सो कभी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाना एक अच्छा सिस्टम नहीं मानते, वोल्टेज को बढ़ाना एक अच्छा सिस्टम नहीं मानते। मैथमेटिकली संभव है बीएम कांस्टेंट रखने के लिए, वोल्टेज भी बढ़ाइए फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाइए बीएम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पॉसिबल नहीं होता। चलिए बिल्कुल जी, थैंक यू जी। चलिए अगर आप कहा कि बीएम को हमने क्या कर दिया सर कांस्टेंट, बीएम को क्या किया कांस्टेंट, इसका मतलब वी वाई एफ आल्सो कांस्टेंट। वी वाई एफ अगर कांस्टेंट हो गया तो इसी पेज में लिख देता हूं, वेट अ सेकेंड। अगर ये कांस्टेंट हो गया देन अब पुट करिए इसके वैल्यू में फॉर्मूला में, डब्ल्यू एच बराबर ईटा के बी एम पावर एक्स था, है ना, और बी एम पे पावर एक्स था, और यहाँ पे क्या था जी, फ्रिक्वेंसी था और वॉल्यूम था। ओके, तो ये कांस्टेंट ध्यान से समझिएगा सर, इसको भी बोल दिया गया कांस्टेंट, इसको भी बोल दिया गया कांस्टेंट, ओके, वॉल्यूम भी है कांस्टेंट। सो जब बीएम कांस्टेंट हो ट्रांसफार्मर का, तो हिस्टेरेसिस लॉस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, आपके सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। पहला पॉइंट, अगर बीएम भी इस इक्वेशन में कांस्टेंट हो जाए, बीएम भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये वॉल्यूम है, वोल्टेज मत समझ लेना, बहुत बार बच्चे वोल्टेज मत समझ लेता, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ऑब्वियसली हिस्टेरेसिस लॉस अगर बीएम कांस्टेंट हो जाए तो हिस्टेरेसिस लॉस आपसे पूछेगा, हिस्टेरेसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सर, फ्रीक्वेंसी पे करता है सर, किस पे करेगा सर, फ्रीक्वेंसी पे करेगा, ये दिमाग में रखने की बात है।
ये दिमाग में रखने की बात है। ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है सर, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार कहेगा आपके ट्रांसफॉर्मर का अगर बी एम यानी वी बाय एफ का रेशियो को कांस्टेंट रखा जाए, बी एम कॉन्स्टेंट मतलब वी बाय एफ का रेशियो अगर कांस्टेंट रखें तो ट्रांसफॉर्मर का हिस्टेरेसिस लॉस हमेशा कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं आप सिर्फ ऊपर ऊपर वाला का देख लो, नीचे का मत देखो, नीचे भी सेम रेशियो से बढ़ाया, आपको वोल्टेज से 5 गुना घटा दिया तो बताइए हिस्टेरेसिस लॉस तो कम हो जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है, क्योंकि वोल्टेज को जब घटाया तो फ्रीक्वेंसी को भी 5 गुना से अगर घटा दिया जाए तो उस लॉस पर किस पे निर्भर करेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे। वोल्टेज का चेंज किए इसके साथ चेंज नहीं किए तो फिर मामला, अगर बीएम हमेशा कांस्टेंट रहा, अब इसके क्वेश्चन भी दूंगा तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन दूंगा तो और ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मतलब आप इतना पहले एक पॉइंट में समझिए कि सर अगर ट्रांसफॉर्मर का बीएम कांस्टेंट मतलब वी बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट तो हिस्टेरेसिस लॉस सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पर। अब एक लॉजिक बताता हूँ सर, एक लॉजिक सर, अगर ट्रांसफॉर्मर आधा से दोनों को घटाए तो बीएम कांस्टेंट, आधा से दोनों को घटाए तो बीएम कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी आधा हो गया, क्या हो गया फ्रीक्वेंसी आधा हो गया तो हिस्टेरेसिस लॉस आधा हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा सी आधा हो जाएगा, क्लियर। अगर दोनों को आधा किया तो बीएम कांस्टेंट, तो बीएम कांस्टेंट, तो बीएम किस पे निर्भर किया फ्रीक्वेंसी पर, सॉरी ये हिस्टेरेसिस लॉस किस पे निर्भर किया फ्रीक्वेंसी पर। इस दौरान जब दोनों को आधा से कम किए तो फ्रीक्वेंसी क्या किया आधा से कम हुआ, इसका मतलब हिस्टेरेसिस लॉस आधा से कम हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉस आधा से कम हो जाएगा, क्लियर। इस पे क्वेश्चन कराएंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सर। लेकिन पहले दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, पहला तो हमने देखा बीएम कांस्टेंट, दूसरा पॉइंट फटाक से, इफ बीएम नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब हो गया सर वी बाय एफ नहीं है बीएम के बराबर, कांस्टेंट नहीं है, ओके ये भी कांस्टेंट, वी बाय एफ भी आप ये कह सकते वी बाय एफ भी क्या जी कांस्टेंट नहीं है, वी बाय एफ भी कांस्टेंट नहीं है। देन डब्ल्यू एच की बात करूं तो ये इनटू बी पावर 1.6 फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम, हिस्टेरेसिस लॉस इतना बीएम के बराबर नहीं है, तो बीएम बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे बीएम बराबर यहां पे वी बाय एफ जो भी है पुट लगता है वो लगाइए, सप्लाई वोल्टेज ओके पे पावर 1.6 इंटू वी इंटू दिस। अगर यहां इसकी चर्चा करें ओके देखिएगा ये इसके साथ कैसा होगा सर, V1 पे पावर 1.6, V1 पे पावर क्या हो जाएगा सर 1.6, V1 पे पावर 1.6, F पे पावर कितना हो जाएगा सर ये 1.6 ऊपर जाएगा तो -0.6 इंटू वी। अब देखिए हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका हो गया जी B1 पे पावर 1.6 इंटू F पे पावर -0.6, ये दूसरा एक्सप्रेशन ये दूसरा इक्वेशन हो गया। जब फ्रीक्वेंसी पर निर्भर यानी बीएम जब कांस्टेंट ना हो, ये कैसे पता चलेगा सर, क्वेश्चन कैसे आता है इससे वो भी बताता हूं, ये क्वेश्चन कैसे आता है अभी हाथों हाथ बता देता हूं सर, सभी का टारगेट होगा क्वेश्चन ही पहले बनाना। तो अगर वी बाय एफ कांस्टेंट नहीं होगा तो आपका हिस्टेरेसिस लॉस आपके सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पर निर्भर करेगा, अगर बीएम कांस्टेंट ना हो तो हिस्टेरेसिस लॉस सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों पर निर्भर करता है। अगर सर आपके ट्रांसफॉर्मर का बीएम कांस्टेंट रहे तो हिस्टेरेसिस लॉस सिर्फ सप्लाई के फ्रीक्वेंसी, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है एग्जाम में पूछा जाता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर तो उसको दिमाग लगता है स्क्वायर ही पूछा होगा, क्योंकि आगे वाला एक जो और लॉस होगा उसमें स्क्वायर रहता है तो बच्चा कंफ्यूज होता है। सो दिमाग में रखिए हिस्टेरेसिस मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिस्टेरेसिस मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन कंडीशन बीएम कांस्टेंट, बीएम शुड बी कांस्टेंट। क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार होता है, बिल्कुल बिल्कुल आइए क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार होता है। एक क्वेश्चन लेता हूं, वेट अ सेकेंड एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, शायद क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन देखिए कितना शानदार होगा, समझ जाइए फटाक से।
8 to 40 वोल्ट 60 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर हैज हिस्ट्रेसिस लॉस 30 वाट। कितना जी? 30 वाट। सभी को सॉल्व करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे, ओके? 30 वाट। देन कह रहा है तब WH4 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज is 25 is what सॉल्व करेंगे सर, एक बार इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे। एक ट्रांसफार्मर है जो 240 और 60 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसमें हिस्टेरेसिस लॉस दिया है इस फ्रीक्वेंसी पर 30 वाट। अगर हिस्टेरेसिस लॉस पूछा है 200 वोल्ट 50 वर्ष उसी ट्रांसफार्मर को कितना दिया जाए, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दिया जाए, तो बताइए उसका हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा, हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा। सभी कमेंट करेंगे एक बार। एकदम 35 सुधीर, चलिए एक जवाब आ गया है 35 25, बाकी भी करेंगे, सभी जवाब देंगे जी। नीतीश कुमार कह रहा 25 हो जाएगा। पूनम कह रही है 30 वाट। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए। इतना स्लो आंसर आएगा जी। चलिए कोई बात नहीं, दो चार ने कोशिश किया है जवाब देने का, एक कुछ ने 25, कुछ ने 30, दिलीप भी कह रहा 30। चलिए लाइन में चलते हैं सर, एक बार देख लेते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। एक ट्रांसफार्मर है जिसका हिस्टेरेसिस लॉस दिया हुआ है कितना सर, हिस्टेरेसिस लॉस दिया हुआ है 30 वाट। एकदम बारीकी से समझेंगे सर, हड़बड़ी है ही नहीं सर। 30 वाट कब है, जब आप सप्लाई वोल्टेज कितना है इतना और ये, तो इसमें से क्या चेक कर लेंगे सर, वी वाई एफ पहले चेक करेंगे। क्या वी वाई एफ सर? इस टाइम वी, जब ये इतना हिस्टेरेसिस लॉस है तो वी वाई एफ कितना है जी सर? वी वाई एफ जो है सर 240 बटा फ्रिक्वेंसी कितना है 60। ओके, तो रेशियो दोनों का क्या है सर? दोनों का रेशियो 6:24 का रेशियो है। ओके, नौ दूसरा कंडीशन में पूछ रहा है सर, हिस्टेरेसिस लॉस बताइए क्या होगा जब दूसरा कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज दिस, मतलब कि अब बोल रहा है कि V1 और VF का जो रेशियो रख रहा हूं, अब वो रख रहा हूं 200, उसी ट्रांसफार्मर में अब 200 दे रहा हूं और 50 हर्ट्ज, तो अब भी रेशियो क्या है? मतलब कि BM को क्या मेंटेन किया गया, VF को क्या मेंटेन किया गया, दोनों ही कंडीशन में कांस्टेंट। मतलब BM को क्या मेंटेन किया गया जी, कांस्टेंट ट्रांसफार्मर के द्वारा मेंटेन किया। आपने सप्लाई ऐसे मेंटेन किया, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को ऐसे चेंज किया कि दोनों ही कंडीशन में उसका रेशियो क्या है, सेम वी बाय एफ दोनों कंडीशन में चेंज। मतलब ये क्या है? आपको ये क्या बताया सर आपने? वी बाय एफ चेंज का मतलब समझा नहीं। वेट अ सेकेंड, एकदम बारीकी से समझिएगा सर, एकदम बारीकी से समझिएगा, हम एक एक चीज समझाने वाले हैं। मतलब कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, पहले आपने इसको वोल्टेज दिया था, कितना वोल्टेज दिया था सर? पहले 240 वोल्ट, कितना दिया था 240 वोल्ट, और इसको फ्रीक्वेंसी कितना दिया था सर? आपने फ्रीक्वेंसी दिया 60 हर्ट्ज़, कितना दिया 60 हर्ट्ज़।
फिर कुछ देर बाद आपका मन बदला, फिर कुछ देर बाद आपको मन बदला, और इसी ट्रांसफार्मर में आपने वोल्टेज टिका दिए कितना, 200 वोल्ट, और आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई सर, फ्रिक्वेंसी हो गई 50। मतलब उसी ट्रांसफार्मर में आपने वोल्टेज को घटाया तो फ्रिक्वेंसी को भी उसी रेशियो से घटा दिया, ताकि दोनों का रेशियो कितना है, 4, दोनों का रेशियो 4। एक चीज़ डिफाइन हो गया सर, एक चीज डिफाइन हो गया, बीएम कांस्टेंट। सर जब बीएम कांस्टेंट हो गया, जब हमारा बीएम कांस्टेंट पता लग गया, दोनों ही कंडीशन में बीएम को कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं, तो हिस्टेरेसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है सर, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी पर। अब यहां से समझिए, एक चीज तय करिए पहले, फ्रीक्वेंसी पर। तो पहले फ्रीक्वेंसी कितना था, 60 हर्ट्ज़, अब फ्रीक्वेंसी कितना है, 50। पहले कितना था, 60, अब कितना है, 50। मतलब फ्रीक्वेंसी घटा है, फ्रीक्वेंसी घटा है, दैट्स व्हाई हिस्टेरेसिस लॉस घटेगा सर। हिस्टेरेसिस लॉस 30 नहीं हो सकता, 30 से कम होगा, इतना फिक्स हो गया। हिस्टेरेसिस लॉस 30 नहीं हो सकता, 30 से कम होगा, इतना फिक्स है। तो 30 से कम कितना होगा ये बता दो सर, अब 30 से कम कितना होगा ये बता दो सर, क्या हो गया, 30 से कम कितना होगा, हम कहेंगे ठीक है, आइए बता, सॉरी, आइए बताता हूँ 30 से कम कितना होगा। इसको निकालने का क्या तरीका होता है, जब पहले कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, पहले केस में कितना था जी, पहले के केस में कितना था, 30, और दूसरा वाला हिस्टेरेसिस लॉस निकाल रहे हैं, तो आपका फ्रीक्वेंसी किस रेशियो में हो गया, पूछ रहा है क्या रेशियो में हो जाएगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। पहले वाला का फ्रीक्वेंसी, ये वोल्टेज कितना है था जी, हिस्टेरेसिस लॉस इतना, दूसरे वाले का इतना, तो मतलब फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसका फ्रीक्वेंसी के, इसके फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना पड़ेगा सर, आइए, ये किसके प्रोपोर्शन है, डब्ल्यू वन किसके प्रोपोर्शन था, एफ वन के, और ये वाला किसके, एफ टू के, ये वाला किसके, एफ टू के। तो अब ही बताओ, आप ही बताओ, जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 30 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ वन में 30 था, तो पूछ रहा है एफ टू जब हो गया, एफ टू कितना है, पहले था 60, 60 में कितना लॉस, 30, 60 हर्ज में लॉस कितना, 30। तो बताइए कि आपका 50 हर्ज में कितना लॉस होगा सर, 50 हर्ज में कितना लॉस होगा। सो ये किसके प्रोपोर्शन हो गया सर, ये देखिए हम फिर से लिख देते हैं, डब्ल्यू एच वन बाय डब्ल्यू एच टू किसके प्रोपोर्शन हो गए सर, एफ वन बाय एफ टू, और जो कि एफ वन इस कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 30 और लॉस, और दूसरा लॉस पूछ रहा है, तो यहाँ से नहीं निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकल जाएगा क्या सर, यहाँ से लॉस निकालने की कोशिश करेंगे, ये किसके है, एफ 50, ओके सॉरी, शुरुआत में दिया हुआ है 60, और यहाँ पे एफ टू, यहाँ पे 30, और यहाँ पे एफ टू 50, वेट अ सेकेंड, एफ टू 50, तो ये वाला वैल्यू नहीं निकल जाएगा, इधर करेंगे 60/30, ऊपर गया वैल्यू, ये इसको कर देता हूँ यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, एक जगह ले लेता हूँ, कर देता हूँ, यहाँ से देखिए ये वाला वैल्यू नहीं निकल जाएगा, ये वाला वैल्यू निकालोगे कि क्या होगा, तो हम कहेंगे ये वाला वैल्यू के लिए आप कर दो सर 30/60 गुना 50, सो 30 × 60 2 से 25, 25 वाट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 25 वाट। 26 वाट कैसे आएगा, 25 वाट ना आएगा, 26 वाट कैसे आ गया, 25 वाट ना, बोलिए 26 वाट कैसे आ जाएगा, 25 वाट आएगा ना, बोलिए क्लियर है, क्लियर है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर, श्योर पता चल गया फ्रीक्वेंसी कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा जी, लॉस कम हो जाएगा, लॉस कम हो जाएगा। और क्लियर कर दूं इसको, और दो लाइन में फटाक से, शायद एक सेकंड, दो लाइन में और छोटा बना दूं, एक दो लाइन में छोटा बना दूं इसको सर, ये डब्ल्यू एच वन बाय डब्ल्यू एच टू हमारा किसके रेशियो में चलेगा सर, एफ वन बाय एफ टू के रेशियो में चलेगा,
डायरेक्ट ये इसी के रेशियो में चल रहा है, ये इसके समानुपाती और दूसरा वाला दूसरे के समानुपाती। तो पहले वाले लॉस का दिया हुआ 30 और दूसरे वाले का WH2, पहले वाले का फ्रीक्वेंसी 60, बाद वाले का कितना 50। सो WH2 सीधे कितना हो जाएगा जी, 30 गुना 50 बटा 60, 2 से 25 वाट इज योर राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है। सो तय करना है बी बाय एम का रेशियो। वी बाय एफ का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो मशीन में बी एम कांस्टेंट है, फिर मशीन में कोई दिक्कत नहीं है। वही कोर का ट्रांसफार्मर में अगर खाली एफ चेंज करोगे, वी चेंज करोगे तो बी एम गड़बड़ा जाएगा। तो बीएम देखना है कांस्टेंट है तो ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो अब फ्रीक्वेंसी वी भी चेंज, एफ भी चेंज, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना से घटा, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितना से चेंज किया सर, फ्रीक्वेंसी चेंज किया 60 से 50 हो गया। सो उसी का प्रोपोर्शन वैल्यू हमारा घट जाएगा। बिल्कुल सारे कंडीशंस होंगे। सेकेंड कंडीशन में आपको डाटा खाली निकालना पड़ेगा, वैल्यू डालते जाइए। अगर वी कांस्टेंट नहीं हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन में क्या है सर, ये ऐसा क्वेश्चन देखिए, अगर आपका बी एम कॉन्स्टेंट नहीं हुआ, पुट करिए इस वैल्यू को वी पे पावर 1.6, कैलकुलेट करते रहिए बैठ के, फिर एफ पे पावर 1 माइनस 0.6 एफ का वैल्यू डालिए। अगर वी बाय एफ कॉन्स्टेंट नहीं होता है तो ऑब्वियसली इस फॉर्मूला को लागू होगा। अब इसमें वी पे पावर कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए और यहाँ पर भी कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए, कैलकुलेट करते रहिए। ओके, सो क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हम हमेशा टारगेट करते, नहीं तो कैलकुलेट करते रहो। एक क्वेश्चन कैलकुलेट करवा देंगे, लेंदी होगा, 3 पेज का चलता जाएगा, कैलकुलेट करते रहिए या कैलकुलेटर करते रहिए, आप लोग कैलकुलेट करते जाइए, हम डाटा बैठा दे जाएंगे, मामला फिनिश हो जाएगा। सर ये वाला क्वेश्चन आया था 2015 में। ओके, सो मैं इनकी चर्चा करूंगा। ओके, मैं इनकी चर्चा बाद में करूंगा, वेट अ सेकेंड, मैं इसकी चर्चा आप लोगों से बाद में कर लूंगा, ठीक है। तो आई होप ये सेशन पूरा आपके लिए कंप्लीट होता है और ये आपने पूरा कंप्लीट किया होगा। आज के टॉपिक में हिस्टेरेसिस हमने कंप्लीट किया, पूरा हिस्टेरेसिस लॉस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाके खत्म हुआ सर बताइए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है बताइए, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ हुआ जाके खत्म हुआ, ठीक है, बोलिए क्लियर है, कहाँ से शुरू किए और कहाँ तक गए। चलिए चलिए, ऐसा अभी सीईटी का बहुत झमेला है सर, सीईटी में सबसे बड़ा झमेला क्या है सर, किस कैटेगरी को रखा जाए, बोला तो जाता है सीईटी लगेगा सर, अब इंटरमीडिएट वाला को कब एग्जाम लेगा, किस लेवल से लेगा, ग्रेजुएट वाले को किस लेवल से लेगा, टेंथ वाले को किस लेवल से लेगा। अब दूसरी बात सर, एक एग्जाम है एएलपी का, बीटेक भी भरता है, डिप्लोमा भरता है, आईटीआई भरता है, किसके लेवल के लिए सीईटी लेगा। सो सीईटी के लिए बोला तो गया है पर सर कितना कॉम्प्लेक्स है ये, इंप्लीमेंट करना बहुत टफ काम है, अभी तक मुझे नहीं लगता सीईटी दूर दूर तक कहीं लगने वाला है। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो सब एज पुराने पैटर्न से ही हो रहे हैं और आगे भी जो होंगे, फिलहाल कुछ दिन इस साल तो इसी पैटर्न से होगा, अगर सीईटी लागू भी होगा तो मुझे लगता है 2023 से पहले कोई मामला ही नहीं है सीईटी का, कम्प्लेक्स बहुत हो गया है सीईटी, कहना आसान है पर टेंथ के लिए क्या करेगा, ट्वेल्थ वाले के लिए क्या करेगा, ग्रेजुएट वाले के लिए क्या करेगा, किस लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाएगा, सो एक अलग ही पैटर्न है। चलिए सर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। संख्या बल आप लोग पूरी कोशिश करिए बढ़ाने का, है ना, जितने आप लोग ज्यादा रहोगे पूरा मशीन कर दूंगा, ज्यादा नहीं रहोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, कोशिश करिए सर बढ़ाने का, आप लोग जितना रहते हम उतना ज्यादा एफर्ट्स लगाते, बहुत कम स्ट्रेंथ होगा इतनी क्यों एनर्जी लगाएं, फिर पेड कोर्स पे डायरेक्ट जाइए आप, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म बहुत बेहतर एनिमेटेड कोर्स दे रहा है, वहां पे जाइए आप लोग, है ना। चलिए सर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।